अगला सबक है हमारा सबक नंबर 15, दो गज़ ज़मीन, उर्दू ज़बान, अपनी ज़बान की सातवीं जमात के लिए। और मुश्किल अल्फाज मानी, रूस एक मुल्क का नाम, रकम रुपए पैसे, बाकाया बाकी बचा हुआ, ज़मींदार ज़मीनों का मालिक। इसके बाद है वाल्गा, रूस की एक नदी का नाम, मुराद बराना, तमन्ना पूर्ण होना, मकसद पुराना। मजीद ज़्यादा, रूबल रूसी सिक्का, बकाया बचा हुआ बाकी। बाशुक्र, रूस के कबीले का नाम, जो मवेशी का बाशक, मवेशी पालतू जानवर, चौपाया जिनकी खेती बाड़ी काम में होते हैं। ज़रख़ेज़ ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन जिसमें पैदावार ज़्यादा। एतराज़, पानी का बात का काटना, राय सतला। कतार, लाइन सब। सरदार, हाकिम, अफसर। ठेले, टीला, पहाड़ी, मिट्टी का तो। वास्कट, बगैर आस्तीन की जैकेट। बोझल, भारी, हवस, हिरस, ज़्यादा लालच। बांझे, खोलना, मुहावरा, बहुत खुश होना। गम, खाना, मुहावरा, खांडी या अंदर ही अंदर, दुख बर्दाश्त करते। हैसियत के मुताबिक, बिसात के बराबर, मेदार भर, अपनी हालत के मुताबिक। हाथों हाथ देना, मुहावरा, खुश आमदीद कहना। हाथ तो हाथ में, गर्म जोशी से अखबार इस्तकबाल करना। जहाँ तोड़ कर पूरी ताकत लगाना। ज़िंदगी का आफ्ताब गुरू होना, मर जाना ज़िंदगी का सूरज। जद्दोजहद मुसलसल, कोशिश करना लगातार। सबक का खुलासा है दो गज़ ज़मीन का। पहले दिन, बहुत दिन पहले, रूस के गांव में किसान रहता था जिसका नाम नचूम था। वो चाहता था कि उसके पास इतनी ज़मीन हो कि कोई किसान उसकी बराबरी है। उसी गांव में एक ज़मींदार औरत ने अपनी ज़मीन बेचने का इरादा। गांव के बहुत से लोगों ने अपनी हैसियत के मुताबिक ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े किए। इसी तरह नजूम ने भी थोड़ी सी ज़मीन खरीदी। अब उसके पास पहले अब उसके बाद पहले से ज़्यादा ज़मीन थी, मगर उसका दिल इत्मीनान ना था। उसका दिल चाहता था एक बहुत बड़ी ज़मींदार बने। एक दिन नजूम अपने सहन में बैठा हुआ था, एक मुसाफिर दर से गुजरा। नजूम ने आवाज़ देकर मुसाफिर को अपने पास बुलाया और पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? वहाँ सरकार के पास से एक नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही है। उसके अलावा कोई चाहे तो ज़्यादा ज़मीन भी खरीद सकता है। सुनकर नजूम बहुत खुश और अपनी ज़मीन और मकान बेच कर सरकार से मिलने वाली ज़मीन के अलावा मजीद ज़मीन खरीद कर एक बड़े ज़मीन का मालिक बन गया। नई जगह, नजूम की दोस्ती नए लोगों से हुई। उसमें कई ऐसे थे जो कहा नजूम से ज़्यादा ज़मीन थी, चुनानचे अपनी ज़मीन पर छोटी लगने लगी। एक दिन एक ताजी नजूम की मुलाकात हुई। उसने नजूम को बताया कि यहाँ से दूर बाशकरों के इलाके में ज़मीन बहुत सस्ती, बाशकरों के पास ज़मीन बेहिसाब है, मगर वह खेती बाड़ी नहीं करना नहीं चाहते। वे मवेशी लेते हैं, मवेशी पालते हैं, इसलिए ज़मीन बहुत सस्ते दामों पर बेच देते हैं। ये लोग सीधे साधे होते हैं। सुनकर नजूम बहुत खुश हुआ, बहुत से तोहफे खरीद और नेपर के साथ एक बाशुकरी के इलाके में चल पड़ा। 7 दिन और 7 रात का सफ़र करने के बाद उसके घोड़ा गाड़ी बाशुकरों के इलाके में पहुंची। तोहफे पाकर बाशुकर बहुत खुश हुआ। नजूम का शुक्र अदा करके पूछा, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? नजूम ने कहा वो उनकी कुछ ज़मीन ख़रीदना चाहता। बाशुकरों के सरदार, जो एक लंबे कद का नौजवान था, एक काली खाल की टोपी पहना हुआ था, ने जवाब दिया कि हमारे पास बहुत ज़मीन है। नजूम ने सवाल किया, ज़मीन की कीमत क्या होगी? सरदार ने जवाब दिया, एक दिन में जितनी ज़मीन के अतराफ आप चक्कर लगा लें वो 1,000 रुपये बल में आपकी हो जाएगी, मगर शर्त यह है कि जिस जगह से आप सूरज निकलते ही चलना शुरू कर दें, उसी जगह सूरज डूबने से पहले आपको पहुँच। अगर आप पहुँच जाएँ तो जितना बड़ा चक्कर आप देंगे उसके अंदर की सारी ज़मीन आपकी होगी, ना पहुँच पाए तो ना ही ज़मीन मिलेगी और ना ही आपकी रकम वापस मिलेगी। वरना नजूम को इसमें क्या ऐतराज़ हो सकता है? फ़ौरन ये शर्त मान ली। जो अंचा था सूरज मशरक से जा रहा, उधर नजूम को अपना पहला
मगर ये जितना आगे बढ़ता जाता उतनी ही हरियाली और ऊंची घास उसे नजर आती है। लालच में आगे बढ़ता गया, ज़्यादा से ज़्यादा जमीन हासिल करने की उसकी बस बढ़ती जाती। सूरज डूबने में अभी ज़्यादा देर न थी। आखिर जब वो टीले की तरफ मुड़ा तो उसे ठेला दिखाई नहीं दे रहा था। किसी न किसी तरह वो ठेले के करीब पहुंच गया। लोग उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। वो ठेले पर चढ़ने लगा। सरदार की टोपी से साफ दिखाई देने लगी, लेकिन तेज़ी से ठेले पर चढ़ना आसान था। वो बार बार ठोकरें खा रहा था। इधर सूरज की किरणें टोपी की किरणों को छू रही थी। अचानक नन्हू ज़बरदस्त ठोकर खाकर गिर पड़ा। गिरते गिरते अपनी टोपी अपना हाथ टोपी की तरफ बढ़ाया, मगर उसकी उंगली से अभी भी कुछ दूर ही था। सूरज डूबने के साथ साथ नजूम की ज़िंदगी का आफ्ताब भी हो गया। उसके दिल की हरकत बंद हो चुकी थी। सरदार की टोपी और नजूम के बीच 2 गज का फासला बाकी रह गया था। किसी जगह पर कब्र खोद कर नजूम को दफना देगा। हर इंसान की तरह नजूम के हिस्से में भी 2 गज ज़मीन ही है। इसीलिए लालच में अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना दानिशमंदी है। इसके बाद अल्फाज मानी है, नजूम को क्या ख्वाहिश थी? नजूम की ख्वाहिश बहुत बड़ा ज़मींदार बनने की थी। अगला सवाल है, मुसाफिर ने नजूम को कौन सी खुशखबरी सुनाई? मुसाफिर ने नजूम को बताया कि बला गांधी के पास उस पार एक नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त ज़मीन दी है। खुशखबरी सुनकर नजूम ने क्या कहा? खुशखबरी सुनने के बाद नजूम ने अपनी ज़मीन और मकान बेचकर वालदान चला गया। ताजिर ने नजूम को क्या मशवरा? ताजिर ने नजूम को बाशुकरों के इलाके में जाने का मशवरा दिया। बाशुकरों ने नजूम को क्या तवाज़ो की? अगले पेज पे इसका जवाब है। बाशुकरों ने नजूम का शुक्रिया अदा किया और ख़िदमत की ख्वाहिश जाहिर की। बाशुकरों के सरदार ने ज़मीन फरोख करने की क्या शर्त रखी? बाशुकरों के सरदार ने शर्त रखी कि सूरज निकलने ही जिस जगह से चलना शुरू कर दें उसी जगह सूरज डूबने से पहले पहुंचना होगा। नजूम आगे क्यों बढ़ता चला गया? नजूम आगे इसलिए बढ़ता चला गया, आगे की ज़मीन बहुत ज़्यादा हरियाली ऊंची घास उसे नज़र आई और उसके आगे ज़मीन ज़्यादा जरखेज और उसे लालच में आगे बढ़ता चला। नजूम का क्या अंजाम हुआ? नजूम का अंजाम लालच की वजह से हुआ। वह चाहता था कि उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन। अब नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। यहाँ ये लफ्ज़ दे रखे हैं और ये जुमलों में इस्तेमाल करके दिखा रखे हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। अगले पेज पे भी यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं जिनको जुमलों में इस्तेमाल करके दिखा रखा है। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बना। तो वाहिद एक को कहते हैं, जमा एक से ज़्यादा को। रकम, रकम, मतलब, मतालिब, शर्त, शराइत, एतराज़, एतराजा, टोपी, टोपिया, एहसान, एहसानात, मंजर, मनाजिर। अब ये जमा है, ये वाहिद। अतराफ, तरफ, सीटियाँ, सीटी, उंगलियाँ, उंगलियों, उंगली, खूटियाँ, खूटी, हरकत, हरकत। इसके बाद सही जुमले पर सही और गलत पर गलत का निशान है। ये जुमले जो हैं सही हैं और जो सही है उसके आगे सही लगा हुआ और जो गलत है उसके आगे गलत लगा हुआ। इसके बाद खाली जगह भरिए। ये खाली जगह भरी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए। यहाँ पर आपको मुतजाद यानी अपोजिट लिखने, जैसे इत्मीनान, बेइत्मीनान, ज़रखेज़, बंजर, मौजूद, गैर मौजूद, गोजर, हल्का, धुंधला सा, गुरूब, तुलू। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। शुक्रिया।